जब यहाँ से किसान चलेंगे सारे पहाड़ों को तोड़ते चले जाएंगे। ये फोर्स लगा रखे इस तरीके से लगा रखे जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर है, पर किसान को कभी नहीं रोक सकते ये चाहे कितनी फौज लगा रहे हैं। यही हिसाब कभी अंग्रेजों के टाइम में हुआ था। ये कहता मैं भारत का रहने वाला हूँ मोदी जी, पर लेकिन ये चाल जो है सारी अंग्रेजों के लेकर चले, क्या किसी को अधिकार नहीं अपनी मांग मांगने का? किसानों में आज आवाज गई है, वहाँ तो वो साईं बाग बनाना चाहते हैं कि 3 महीने वहाँ जाके ग्राउंड में बैठ जाए, उनका काम नहीं रुक रहा। आज इनको ये पता लगेगा दिल्ली वालों को, जब सब्जी आज पंजाब से बंद हुई है कल को यूपी से बंद होगी, जब सब्जी नहीं आएगी ये भूखे मरेंगे जब पता लगेगा, और जनता को भी। 800 रुपए कुंटल इन्होंने खरीदा, हम कहाँ से करेंगे खेती, कहाँ से डीजल लाएं, कहाँ से हम किसानों उन अपने मजदूरों को पैसे देवे, कहाँ से क्या करें हम बताओ। साइन बाद में 6 महीने बैठे रहे वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो यही चाह रहे सारे किसान चाह रहे उसमें बढ़ जाओ वहाँ मैदान में, और ये चाहे यहाँ 10 साल बैठे रहो जब भी कुछ नहीं होना। हम नहीं बढ़ने दें दूसरा साइन बाद, हम रोड पर आएंगे जिसे बात करनी रोड पाओ। तो यूपी और दिल्ली की सीमा पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर किसानों को रोक लिया गया है, यूपी से चलकर जो किसान यहाँ पर आए हैं उनको दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर लगे हुए हैं, और यहाँ से आगे का रास्ता रोक दिया गया है। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा से किसान चले थे तो सिंघू बॉर्डर और वहाँ पर हरियाणा के और दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया, ठीक उसी तरह यहाँ पर यूपी से जो किसान चलकर आए हैं उनको इस बॉर्डर पर रोक दिया गया है। यहाँ पर किसानों के वाहन आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर किसान विश्राम कर रहे हैं, बैठे हैं और आगे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और उनसे जब बात करेंगे तो पता चलता है कि वो किसी भी हालत में यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा ही मानना है जैसा पंजाब और हरियाणा के किसान कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार आर पार की लड़ाई है। यहाँ पर भी यूपी के किसान भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं, सर कहाँ से आए हैं? गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर से आपको रोक दिया गया है, क्या कब तक बैठेंगे आप यहाँ? ऐसा यहाँ पे वैसे रोक दिया है, इनकी वजह से नहीं रुके हुए। जब यहाँ से किसान चलेंगे सारे पहाड़ों को तोड़ते चले जाएंगे। ये फोर्स लगा रखे इस तरीके से लगा रखे जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर है, पर किसान को कभी नहीं रोक सकते ये चाहे कितनी फौज लगा रहे। इसमें किसानों को इतना परेशान किया है हिसाब से ज्यादा, जिस दिन सरकार बनी ही ये कहते थे कि हम जो किसान के हित में काम करेंगे। किसान रात दिन मेहनत करता है, दो साल गन्ने के पैसे को मिले हो जाते हैं, इतनी परेशानी होती है। जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े, और यहाँ पर भी रोका गया, क्या यहाँ पर किसी तरीके का कुछ लाठीचार्ज वगैरह तो नहीं हुआ? यहाँ अभी लाठीचार्ज नहीं हुआ, पर लेकिन इसके करने में कोई नहीं, इनकी राजनीति उस हिसाब की हो रही है जो कभी अंग्रेजों की हुई थी। जब कहीं मांग करने के लिए चलते हैं वहाँ आंसू गैस के गोले और लाठी और पानी की फुहार छोड़ी जाती है। यही हिसाब कभी अंग्रेजों के टाइम में था। ये कहता मैं भारत का रहने वाला हूं मोदी जी, पर लेकिन ये चाल जो है सारी अंग्रेजों के लेके चले, क्या किसी को अधिकार नहीं अपनी मांग मांगने का? गृह मंत्री ने कहा है कि जो जगह दी गई है किसानों के लिए उस जगह पर जाकर बैठे उनसे बात की जाएगी, फिर सड़क पर सड़क बंद करने का क्या ऐसा है? उनके कानों में आज आवाज गई है, 3 महीने हो गए किसानों को जो हर जिले पे बैठे बैठे उनके कानों में आज आवाज गई है। वहां तो वो साई बाग बनाना चाहते हैं कि 3 महीने वहां जाके ग्राउंड में बैठ जाए, उनका काम नहीं रुक रहा। आज इनको ये पता लगेगा दिल्ली वालों को, जब सब्जी आज पंजाब से बंद हुई है कल को यूपी से बंद होगी, जब सब्जी नहीं आएगी यार ये भूखे मरेंगे जब पता लगेगा, और जनता को भी कि किसान कैसे कमाए कला के देता। अब आ रहे हैं नुके जी कोरोना हो रहा है, वो रैली निकाल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, मोदी जी भी और योगी जी भी जो सब रैली में भाग रहे हैं, उनमें कोरोना नहीं है, किसान में कोरोना है। किसान का टमाटर है उसमें कोरोना नहीं है, किसान का आलू है उसमें कोरोना नहीं है, हर चीज में कोरोना बता देते, किसान में कोरोना है। सब्जी क्यों खा रहे हैं जब किसान के में कोरोना है? कोरोना तो अनाज भी क्यों खा रहे हैं किसान का? तो यहाँ कब तक रुकेंगे फिर? जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होने का, ये आज समाधान कर दे, हमें यहाँ रुकने का शौक नहीं, अपने खेतों में काम करने का शौक है हमें तो। और ये कह रहे हैं बात करेंगे, बात क्या करनी है, हमें समाधान करो, हमें ये समाधान, बात से हमारा काम नहीं चलने वाला। अच्छा बताइए क्या समाधान कर रहे हैं लोग? गन्ने का कोई बहुत तय करा इन्होंने, 4 साल से 1 रुपया बढ़ाया और कितनी सैलरी इन्होंने अपनी बढ़ा ली। आज जियो के सिम पे 500 रुपए में 3 महीना नेट चल रहा, ये 15,000 रुपए अपनी सैलरी में कहेगा टेलीफोन का खर्च काट रहे हैं, ये किसान के लिए कर क्या रहे हैं? एक बात बताएंगे किसान के, इतने उन्होंने एक कदम उठाया हो, एक भी कहता हो? मोदी जी ने तो आज भी मन की बात में ये कहा है कि कानून किसानों को मजबूत बनाया, लेकिन इस कानून में जब हमारा धान 800 रुपए कुंटल बिक रहा था तो मोदी ने क्यों नहीं कार्रवाई करी उनके खिलाफ? कौन करेगा भाई? मोदी जी ने इस कानून में, इस कारण ये किसान विरोधी काला कानून है, इसमें मजबूत व्यापारी होगा, व्यापारी किसानों से औने पौने दाम में MSP से नीचे खरीदेगा, स्टॉक लगावेगा, फिर उसे 3 गुने रेट में बेचेगा। जैसा आप आलू देख रहे हैं, आलू 40 रुपए किलो तक का बिका, किसान से 2 रुपए किलो और 50 रुपए किलो दे रहे हैं हम जनता को,
आलू स्टॉक कर लिया, हम तो 10 रुपए किलो खरीद लिया इन्होंने, और आज जनता को 50 रुपए किलो बेच रहे हैं लोग। भाई एक बात हो तो बता, मैं इस चीज पर कोई प्रतिबंध, किसान से सस्ती चीज खरीद कर स्टॉक करके और जनता को महंगे दामों में बेच रहे हैं तीन चौक चौकों में। तो क्या क्या आप किधर जा रहे थे? आप हरियाणा पंजाब से जो किसान आए हैं उनके साथ शामिल होना चाहते हैं? हम तो संसद में जाएंगे, हम तो इनके घर जाएंगे, ये नहीं जाते हमारे पास। क्यों रोकना चाह रहे हैं फिर, क्या लगता है आपको? कौन ये जहाँ यहाँ पर आपको रोका है, आगे नहीं जाने दे रहे, इसकी वजह क्या लगती है? हर धर्मिता इनकी अपनी अपनी तनाशाही दिखा रहे हैं, कब तक दिखावेंगे? तनाशाही तो बहुत चले गए आगे, यहाँ तनाशाही सरकार है। भाई एक चीज बता मैं किसान के लिए, उन्होंने ये चीज कर दी। आप एक बार बताइए कि आज बिजली के 12 पर जहाँ 9,000 रुपए साल का बिल जाता था, आज 18-19,000 रुपए एक साल का बिल जा रहा है, और 4 साल में 1 रुपया इन्होंने हमारे गन्ने बढ़ाया हो। धान 800 रुपए क्विंटल इन्होंने खरीदा, हम कहाँ से करेंगे खेती, कहाँ से डीजल लावे, कहाँ से हम किसानों उन अपने मजदूरों को पैसे देवे, कहाँ से क्या करें हम बताओ? पानी की बोतल 20 रुपए, पिछले साल का पैसा अब तक नहीं दिलवा पाए, 15 दिन में देने की घोषणा करी थी, क्या नहीं मिलना चाहिए? कोई सामान हम आपसे खरीदते हैं दुकान से कहीं तो नकद पैसा देते नहीं देते? तो ये हमारा सामान अगर खरीद रहे हैं क्यों नहीं पैसे देते हम? चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर, तो आप यहाँ कब आए थे और कब रोका गया है आपको? परसों आए थे, परसों रोका। परसों से यहाँ ऐसे ही खड़े हैं आप? कब तक खड़े रहेंगे? जब तक ऊपर का आदेश नहीं आता हमारा हाई कमान का। हाई कमान कौन? राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी। अच्छा टिकैत जी का, तो वो अभी वो लोग कहाँ हैं? यहीं पर है, हमारे साथ में है। अच्छा अच्छा, तो क्या आप कहाँ जाना चाहते थे, मतलब हरियाणा पंजाब के जो किसान है उनके साथ शामिल होना चाहते थे या किसान कहीं? तो पूरे देश का एक ही है भैया, किसान तो सब एक एक देश का एक ही है, उसमें क्या बात है? हम तो वोट क्लब पर जाना चाह रहे हैं भाई, वहाँ पूछाओ इंडिया गेट जाओ या उसमें पूछाओ जंतर मंतर पर जहाँ प्रदर्शन कर दिया। कहा गया है कि बुराड़ी में चले जाएंगे? नहीं, बुराड़ी में हम नहीं जाएंगे। बुराड़ी में नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? एक जगह इकट्ठे क्यों हो जाए हम? एक जगह इकट्ठे हो गए क्या होगा? अपनी मांग तो एक ही है ना, सारे किसान एक है। एक है मांग, एक है, बॉर्डर पर बैठे चारों तरफ से दिल्ली सील है, ना कुछ खाने पीने का जाएगा, परेशानी उन्हें भी होगी। परेशानी हमें तो है ही, परेशानी उन्हें भी होगी, वार्ता की मेज पावे में वार्ता करें। अच्छा मतलब आप सिर्फ परेशान करना है या बात करना? नहीं, परेशान करना नहीं, हम अपनी समस्या। गृह मंत्री का बयान आया है कि जब आपको जगह दे दी गई है तो आप वहाँ जगह पर बैठे हो, सरकार वार्तालाप करने के लिए तैयार है? नहीं, आपने क्यों जगह दे दी? आप जगह चुनोगे? हम जगह हमने चुन रखी, इंडिया गेट पर भेज दो, हमें जंतर मंतर पर भेज दो। किसान तो जंतर मंतर पर जाना चाह रहा है, हमें तो एक उनकी सुनियोजित है मामला कि इन्हें किसानों को यहाँ एक जगह इकट्ठे कर लो, उसके बाद में एक ये सरकार शाहीन बाग बनाना चाह रही है, वहाँ एक जगह भेज गए हम तो वहीं भेज दो भैया, वोट क्लब पर भेज दो, हम तो वहीं बैठे रहेंगे। अच्छा शाहीन बाग से क्या मतलब, क्यों शाहीन बाग को क्यों? क्यों इसका मतलब क्या है, जहाँ बटला करने का इनका मतलब क्या? शाहीन बाग में 6 महीने बैठे रहे किसान, शाहीन बाग में 6 महीने बैठे रहे, वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो यही चाह रहे जी, सारे किसान चाह रहे उसमें बैठ जाओ वहाँ मैदान में, और ये चाहे यहाँ 10 साल बैठे रहो जब भी कुछ नहीं होना। हम नहीं बढ़ने दें दूसरा शाहीन बाग, हम रोड पर आएंगे जिसे बात करनी रोड पाओ, ऐसी कोई और अपनी है वो गृहमंत्री वो यहाँ हो ना। ये पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार कह रही है कि किसानों के हितेशी ये कानून बनाए हैं और किसान ही इसका विरोध कर रहे हैं? ये जो सरकार में बैठे अनपढ़ ये किसान उनसे पढ़े हुए, उनसे जरा जाना, ये वे वहाँ अनपढ़, ये यहाँ से BSc और MSc और MBA किसान खेती कर रहा है भारत में, वे सारे जो नेता हैं वे अनपढ़, वे अनपढ़ ज्यादा, हम तमीज हो, हम चाहे हमारे लिए फायदे में हो चाहे नुकसान में हो, वे सब अनपढ़ नेता जो बैठे उनसे जरा हम जाना, चाहे हमारे फायदे में हो चाहे नुकसान में हो।